नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दक्षिण सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पाकिस्तान को एक और झटका देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात फैसला किया कि वह इस्लामाबाद में नवंबर में होने वाले दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद इस 8 सदस्यीय समूह के 3 और देशों ने भी सम्मेलन से अलग रहने का निर्णय लिया। सरकार ने ऐलान किया कि मौजूदा हालत में भारत सरकार इस्लामाबाद में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थ है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी 19वें दक्षिण शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का फैसला किया। इस शिखर सम्मेलन को रद्द करना होगा क्योंकि दक्षिण चार्टर के अनुसार किसी एक शासन की प्रमुख की अनुपस्थिति में भी शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता। सिंधु जल संधि पर भारत सख्त, पाक में दहशत। सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रवैये को देखते हुए पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। भारत की ओर से 56 साल पुरानी सिंधु जल संधि को रद्द किए जाने के कयासों के बीच पाकिस्तान ने विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पंचायत का रुख किया। समाचार चैनल जियो न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसाफ अली के नेतृत्व वाले पाकिस्तान सरकार के शिष्टमंडल ने वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में विश्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और सिंधु जल संधि 1960 के संदर्भ में मध्यस्थता के पाकिस्तान आग्रह से जुड़े मामलों पर चर्चा की। चैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत का भी रुख किया है। भारत के लिए मुख्य चुनौती बना हुआ है चीन। ब्रिटेन के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि चीन भारत की मुख्य सुरक्षा चुनौती बना हुआ है क्योंकि बीजिंग सीमा विवाद को लेकर आक्रामकता दिखाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की वार्षिक रिपोर्ट 2016 में कहा गया है कि पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत के संबंध पिछले साल खराब हुए, लेकिन चीन सीमा विवाद पर अपनी आक्रामकता के कारण नई दिल्ली के लिए मुख्य चिंता बना हुआ है। इसमें कहा गया कि नई दिल्ली में नीति निर्माताओं के लिए इससे घेराबंदी का डर पैदा किया है तथा बीजिंग को लेकर उनके रुख को भी कड़ा किया है। हालांकि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजिंग के साथ मजबूत व्यापार एवं निवेश संपर्क स्थापित करने की कोशिश की है।